ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट क्या है? ये 30, ये पॉइंट हो गया 30, 20। तो आपको पता चल गया सारे वर्टेक्स पता है। और ये देखो, ये जो फिजिबल रीजन आ रहा है ये बाउंडेड है, तो यहाँ पे टेबल रख देते हैं, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट पॉइंट। और जेड जो मैक्सिमाइज करना है, जिसको मैक्सिमाइज करना है वो कितना है? ये है 10,500x, 10,500x प्लस 9,000y, 9,000y, है ना? इस तरह से यहाँ पे वैल्यू। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है? एक तो ओरिजिन है 0,0, दूसरा है 40,0, 40,0, तीसरा है 30,20, और चौथा है 0,50, 0,50, है ना? ये चार पॉइंट्स हैं ऐसा। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू यहाँ पे तो जीरो ही हो जाएगी। अच्छा, 40,0 पे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे देखो 3 0 आ रहे हैं, 1 2 3 0 ये, और 4 से मल्टीप्लाई कर दे 20, है ना? 4,20,000 हो गया। अच्छा, 30,20 पे कितना आ रहा है? 30,20, तो इस पे वैल्यू जो आएगी 30,000,30 और 3 से मल्टीप्लाई करें 15,3 और प्लस 20, 20, 1,2,3,4,18 ऐसा। तो ये कितना हो गया? 9,49, ये आ गया 4,95,000, इतना आ गया आर एस के टर्म्स में है। और 0,50, तो यहाँ पे ये 1,2,3,4,0,4,5 ऐसा। हाँ, तो अभी जो इसको ना मैक्सिमाइज करना था, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, इसमें देखो ध्यान से, प्रॉफिट मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसमें? देखो मैक्सिमम वैल्यू यही है, ये है ना मैक्सिमम वैल्यू, और बस यही मैक्सिमाइजेशन हो गया, दिस इज मैक्सिमम। समझ आए? और मैक्सिमम कब मिलेगा? जब एक्स जो है वो 30 हो और वाई 20 है। एक्स मतलब एक्स क्रॉप को 30 हेक्टेयर में करना है और वाई क्रॉप जो है 20 हेक्टेयर में लगानी है। समझ आए? सो दिस इज दी आंसर। लेट मी सी यहाँ पे इन्होंने कैसे किया। सेम सिचुएशन है, 4,95,000 इज दी मैक्सिमम वैल्यू दैट दे आर अचीविंग। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, तो इसको भी कर ही लेते हैं वन मोर टाइम और फिनिश करते हैं इस टॉपिक। सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इसका ऊपर दिखा क्या होगा बच्चा? ये वाला ना? सर, इसके नीचे का। हाँ, ये प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन का। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक टू मॉडल ए एंड बी ऑफ अ प्रोडक्ट। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। ओके, तो दो तरह की चीजें हो रही है, ए फैब्रिकेशन हो रहा है, दूसरा फिनिशिंग हो रही है। ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर 12 आवर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर अवेलेबल आर 180 या 180 आवर एंड 30 रेस्पेक्टिवली।
The company make a profit of ₹8,000 on each piece of model A and ₹12,000 on each piece of model B. How many piece of model A and model B should be manufactured per week to realize a maximum profit? And what is the maximum profit per week? Answer karo. आई थिंक हो गया. देखो किस तरह से इन्होंने सॉल्व किया है प्रॉफिट को. क्या यही आंसर आ रहा है? किस तरह का फिगर आ रहा है? सबसे पहले तो ये देखो क्या कॉन्स्टेंट ऐसे ही बन रहे हैं? क्या यही बन रहे हैं कॉन्स्टेंट? मैक्सिमाइजेशन जिसका करना है क्या वो यही है ना? मैक्सिमाइजेशन फंक्शन यही है. कॉन्स्टेंट देखो क्या ऐसे बने हैं. फिर ये फिजिबल रीजन आ रहा है इस तरह से. और फिजिबल रीजन कॉर्नर पॉइंट देखो आंसर मैच करो. 1,68,000 मैक्सिमाइजेशन आ रहा है. और फाइनली ये कंक्लूजन है इसका. वी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज दिस एट बी. बी मतलब 12.6. हेंस Company should produce 12 piece of model A and 6 piece of model B to release maximum profit then will be RS 1,68,000. I think ki ab isko aur discuss karne ki zarurat nahi hai. Aage badhte hain bachcha. Exercise hai 12.2 hai na. Solve this question your own, this exercise your own. 1, 2, 3 NCERT की प्रॉब्लम है. ये NCERT बुक है तो यहां से सॉल्व करो. मिसलेनियस एग्जाम्पल डाइट प्रॉब्लम एग्जाम्पल 9 ये सारे सॉल्व करो. सॉल्व करो 1 by 1 अब ये तुम्हारा सेल्फ स्टडी बचा हुआ है ना. तो बता दिए हैं जितना आता है जिस तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो सारे डिस्कस हो गए हैं. मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 12 ऑफ एनसीईआरटी ये है. डाइट प्रॉब्लम इनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो. बेसिकली अब क्या रह गया तुम्हारा? प्रैक्टिस रह गया. इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये टॉपिक उतना ही अच्छा हो जाएगा. समरी चलो एक बार फिर से ये बता देते हैं. समरी में अपन ने क्या क्या सीखा उसमें, ठीक है. लीनियर प्रोग्राम प्रोसेस 1 दैट कंसर्न विद फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ लीनियर फंक्शन, सेवरेबल वेरिएबल कॉल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके. फिर डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल जो एक्स एंड वाई रहते थे, और लीनियर इनइक्वालिटीज जिनको अपन कॉन्स्टेंट्स बोलते थे, है ना. फ्यू इंपॉर्टेंट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एनसीईआरटी 12th क्लास में ज्यादा इनमें से 3 में से कोई एक आएगा. फिर आ रहा है कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल कॉन्स्टेंट इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड द फीजिबल रीजन सॉल्यूशन. ये हमें पता है. फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टेंट एनी पॉइंट आउटसाइड द फीजिबल रीजन इज इनफीजिबल सॉल्यूशन. इनफीजिबल सॉल्यूशन आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. और फिर एनी पॉइंट इन द फीजिबल रीजन दैट गिव द ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोला जाता है. दीज आर टू फंडामेंटल थ्योरम्स, थ्योरम 1, थ्योरम 2, बाउंडेड कॉर्नर पॉइंट मेथड. कॉर्नर पॉइंट मेथड पता है कैसे करना है. बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है इस पे थोड़ा अलर्ट रहना है ना. ये तब जब है अनबाउंडेड रीजन, है ना, इसको ध्यान रखना. बस कॉर्नर पॉइंट मेथड हो गया. हिस्टोरिकल नोट्स डन. तो बच्चा इतना ही करते हैं. ये थ्योरी पोर्शन था. अभी मेन चीज रह गया कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो. जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है. कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और कम समय लेगा क्वेश्चन सॉल्व होने में.
सो आई थिंक कि ये इतना ही करता है. विल मीट यू नेक्स्ट क्लास.